Hello everyone. So in this video we will be discussing about our last chapter, that is pollution control in industries. तो industries में कैसे pollution control होता है, मैंने आपको starting में बताया था कि मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊँगा नहीं, answer कैसे लिखना है वो सिखाऊँगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सपोज ये आपका बॉयलर है, बॉयलर से यहाँ से फ्लू गैस मतलब बॉयलर से आपका पोल्यूटन निकला, तो पोल्यूटन में आपके पोल्यूटन में आपके सॉक्स भी हो गए, नॉक्स भी हो गए और पर्टिकुलेट मैटर, ये तीन तो मोस्टली होते ही है सब में, लेकिन फिर भी आपको देखिए, अब अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ, थर्मल पावर प्लांट तो उसमें फ्लाई एश ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ESP बेस्ट रहेगा। वैसे आपको क्या करना है, सोर्सेज सब इंडस्ट्री के अलग अलग थोड़े बहुत वेरी करते हैं, सोर्सेज आपको एक बार पढ़ लेने हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से कौन सा पोल्यूटेंट निकल रहा है, एक बार वो पता चल गया। सपोज ये थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए क्या बेस्ट होगा, तो उसके लिए बेस्ट यही होगा कि पहले आप नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए ये सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन लगाए, SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, और उससे नॉक्स हमारा नॉक्स रिमूव हो गया, और नॉक्स के जो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है उसके बारे में थोड़ा लिखने का, फिर पर्टिकुलेट मैटर रिमूवल के लिए ESP यूज़ करने का, अगर आपकी पोल्यूटन में डस्ट थोड़ी ज़्यादा डायमीटर वाली है, पार्टिकल बड़े हैं थोड़े, तो आप प्री क्लीनर जैसे आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर या साइक्लोन, आप प्री क्लीनर के हिसाब से यहाँ पे आप वहाँ पे साइक्लोन या फिर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर लगा सकते हो, आपके ESP या फैब्रिक फिल्टर पे लोड ज़्यादा ना आए, इसलिए ये हो गया। और फिर यानी इससे पर्टिकुलर मैटर भी कंट्रोल हो गई, रिमूव हो गई, बाकी रहा सॉक्स, उसके लिए हम फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, वो भी मैंने आपको पढ़ा था। तो ये जो तीन मेन है रिडक्शन मेथड या कंट्रोल मेथड, ये तीन मेन सब में आपको यही लिखना है। सोर्सेस थोड़े बहुत आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये तीन यही लिखना है। और प्रिवेंशन में आपको क्या लिखना है, CPWU आपको सब्जेक्ट आता होगा शायद, उसमें आता है या क्या होता है उसमें, प्रिवेंशन में आपको कंबशन से पहले ही क्लीनर प्रोडक्शन, मतलब आपको इसमें जो आपके रॉ मटेरियल उसमें चेंजेस करने होंगे, जिससे आपका पोल्यूशन थोड़ा लेस कंसंट्रेशन वाला हो, सब मतलब पहले 100 था तो फिर रॉ मटेरियल ऐसे चेंज करो, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन 80 जितना नीचे आ जाए तो अच्छा है, ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करो। सब्जी वाला ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल चेंज करने का, आपकी प्रोसेस में चेंजेस लाने का, तो ये क्लीनर प्रोडक्शन का पार्ट, और ये मैंने जो अभी कंट्रोल मैकेनिज्म बताया, ये मेथड बस आपको इतना लिख देने का, फिगर मेन ये डायग्राम ड्रॉ करने का डायग्राम। सो ये मैंने अपने टाइम पे ऐसा ही किया था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, इससे ही मार्क्स आ गए थे, पाँच मार्क्स तो आप आराम से कवर कर ही सकते हो, इसमें स्पेसिफिक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज़।